वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, 2022 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। 5, 6 पे न्यूमेरिकल आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके छोटे आपको जो है कमेंट करने होंगे, 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे। एक पेपर को सॉल्व करने के बाद जब हम नेक्स्ट पेपर 2022 के पेपर का 2023 के पेपर पर जाएंगे तो आप देखोगे कि उस 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में से आपके पास में 2 से 1, 3 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है आपके पिछले पेपर में। तो उसको फिर मैं आपको मार्क कर दूंगा कि भैया ये हमने इस वीडियो में जाकर के आप इस फोल्डर में जाकर देख लो, ये चीज़ें जो नई नई चीज़ें आएंगी जो रह गई हैं उसको कवर करवाऊंगा मैं आपको, क्लियर है। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइन द मल्टीप्लायर। बच्चे मल्टीप्लायर क्या होता है इस बात को जरा समझिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑलरेडी कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट, आपने एक किस्सा सुना होगा कि जब पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर जब अकाल आता था तो उस अकाल के समय में राजा महाराजा जो है फिर नहरें, नदी, बांध इनका निर्माण करवाने लग जाते थे। क्यों? ताकि उस अकाल की स्थिति से बाहर निकल पाए और लोगों को रोजगार मिल पाए। इससे फ़ायदा क्या होगा उसको ज़रा समझिएगा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अकाल की स्थिति है या फिर बेरोजगारी का टाइम, आज के टाइम में बेरोजगारी का टाइम है। बेरोजगारी का टाइम होता क्या है? बेरोजगारी का टाइम बेसिकली डेवलप कैसे होता है, मान लीजिए कि एक कंट्री में डिमांड कम है और सप्लाई के लिए गुड्स अवेलेबल है, तो सप्लाई के लिए फर्म में चीज़ें तो हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोविड के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सप्लाई के लिए कमोडिटीज़ तो अवेलेबल थी, लेकिन एकदम से ही लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आने की वजह से लोगों की जो है इनकम कम हो गई, लोगों को जॉब से घर पे बैठना पड़ा, उनकी परचेसिंग पावर कम हुई, उनकी डिमांड कम हुई। अब जब डिमांड कम हुई और आपने देखा कि सप्लाई अवेलेबल है और लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो फिर जो फैक्ट्री और जो फार्म के पास में जो स्टॉक था वो अब बिक नहीं रहा था, वो अनसोल्ड स्टॉक की कैटेगरी में आ गया। अब एक फार्म ने जब अपना पुराना स्टॉक ही नहीं बेचा तो वो नया तो बनाएगी नहीं, फिर वो एम्प्लॉय को फिर वो पेमेंट कहाँ से करेगी? जब पुराना बिका ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, तो फिर जो अब नया बनेगा उसकी पेमेंट कहाँ से होगी और नया बना के फ़ायदा भी क्या? तो इसलिए फर्म क्या करेगी, नए स्टॉक को नहीं बनाएगी अगर अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो गया तो, क्लियर है। और जो लेबर उसके पास काम कर रही थी तो उसको बोलेगी कि भैया हम अभी के लिए आपको छुट्टी देते हैं, जब हमें नीड होगी हम दोबारा आपको अपने फर्म में बुला लेंगे, आप प्लीज़ हमें दोबारा ज्वाइन कर लेना, पर अभी के लिए तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए अब हमारे पास जो स्टॉक है हम पहले उसको सेल करेंगे, उसके बाद दोबारा जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे देन हम आपको उसके लिए कॉल करेंगे, बुलाएंगे। जब लॉकडाउन हटा तो सिचुएशन यही थी कि लॉकडाउन हटने के बाद अनसोल्ड स्टॉक ही पड़ा हुआ था इतना सारा, बट लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी थी, लोगों ने घर बैठ करके अपना कंजम्पशन करा था। अब लोग एकदम से लॉकडाउन हटते के साथ ही लोग टीवी लेने, मोबाइल लेने और मार्केट के अंदर शॉपिंग करने नहीं उतर गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने साल भर लगा ट्रैक पे आने में, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर थी नहीं और फर्मों के पास में जो स्टॉक था वो अनसोल्ड स्टॉक था। तो फर्मों ने क्या करा, एम्प्लॉय को घर बिठा दिया। तो जब एम्प्लॉय को घर पे बिठा दिया तो इकोनॉमी के अंदर जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो और डाउन हो गई और अनसोल्ड स्टॉक और क्रिएट हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और फिर अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हुआ। ये पूरा का पूरा एक आपका साइकिल चल गया अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी बढ़ते 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 बढ़ती चली जाएगी बेरोजगारी, फिर फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करे, गवर्नमेंट हो सकता है कोई फ्लाईओवर बनाने का डिसीजन ले ले, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई हाईवे बनाएगी, कोई ट्रेन, कोई ट्रैक डेवलप करेगी जिससे कि लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे पाए। अब जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब वो फ्लाईओवर बनाएगी तो उसके लिए सीमेंट, बदरपुर रॉड, सरिया, आयरन, स्टील, इन सब का कंजम्पशन होगा, इन सभी फॉर्म में जाकर के डिमांड जनरेट होगी और जब डिमांड जनरेट होगी तो वहाँ पर उनका अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होगा, देन वो वहाँ पे वो एम्प्लॉय हायर करेंगे और यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इसको पेमेंट करेगी गवर्नमेंट, इसको पेमेंट करेगी, मार्केट में जाकर खरीदारी शुरू करेंगे, मार्केट वाले को भी अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होने लग जाएगा, फिर वो भी एम्प्लॉय को बुलाएंगे, फिर एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, फिर एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉय जाकर फिर मार्केट खर्च एक्सपेंस करेंगे, फिर वहाँ पर जाकर के औरों को अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होगा, फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ऐसे फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाता है, क्लियर है बच्चे।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की ये भूमिका रहती है, ये रोल रहता है, आप समझ पाए कि एक इकोनॉमी में एक इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट के स्टेज पर लाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये का इन्वेस्ट करा, 100 रुपये सैलरी बांटी तो 100 रुपये की ही इनकम हुई, ऐसा नहीं है बच्चे। गवर्नमेंट ने अगर मुझे 100 रुपये दिया, क्लियर है, तो मैंने कुछ पैसा बचाया 20 रुपये, 80 रुपये जाके मैंने खर्च करे, बट 80 रुपये मेरी तो 100 रुपये इनकम हुई थी, बट 80 रुपये किसी और की भी इनकम हुई है, उसने 20 रुपये बचाए, उसमें से उसने खर्च करा और उससे इनकम किसी और की भी जनरेट हुई, उसने बचाए, तो ये 100 रुपये अगर गवर्नमेंट ने खर्च करा है तो मतलब लोगों की सिर्फ 100 रुपये की इनकम नहीं हुई है। मेरे पास 100 रुपये, मेरी इनकम 100 रुपये हुई, मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये बचाए, मेरी इनकम 100 रुपये हुई, मैं एग्री करता हूँ, बट जो 80 रुपये मैंने खर्च करे वो भी तो किसी की इनकम बनी है, उसने बचाया फिर जो उसने खर्च करा वो भी तो किसी की इनकम बनी है। तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उससे कहीं ज़्यादा टाइम्स इनकम बनती है, क्लियर है। लाइक 100 रुपये गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा और 500 रुपये इनकम बन गई सभी लोगों को मिला करके, तो जो इनकम में जो चेंज आया वो 500 रुपये का आया विद रिस्पेक्ट टू 100 रुपीज़, तो इन्वेस्टमेंट में चेंज का 5 टाइम्स इनकम में चेंज आ गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना 5 टाइम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को अगर अच्छे से डिफाइन करना है तो मैं इस पर वीडियो को टैग कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने चार्ट के थ्रो कितने रुपए आए उसने इस पर एक्सपेंस करे बहुत डिटेल में बता रखा है। फिलहाल इस पर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर केन्स थ्योरी। द मल्टीप्लायर इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द इनकम। देखिएगा, मैंने बताया ना अभी आपको कि 500 का चेंज आ गया इनकम में, क्यों आया, क्योंकि मैंने 100 रुपये का चेंज करा था इन्वेस्टमेंट में, तो ये क्या है, ये चेंज इन इनकम है और ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तो ये डिवाइड से क्या हो गया, रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये वही बात कह रहा है कि एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो के इक्वल्स टू क्या निकलेगा, के को हम मल्टीप्लायर को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई वाई डेल्टा आई, वेयर डेल्टा वाई चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का। हैंस द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर टू द नंबर बाय द विच द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड टू फाइंड आउट द चेंज इन द इनकम, कि जो इन्वेस्ट करा उसका कितना टाइम्स हमारे इनकम में चेंज आया, इकोनॉमी में कितना टाइम्स इनकम जनरेट हुई। वैन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय द सर्टेन अमाउंट एग्रीगेट इनकम इंक्रीज बाय द मल्टीपल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने एक सडन अमाउंट इन्वेस्ट करा तो जो इनकम जो होगा वो उसका मल्टीपल्स में जाएगा। ये मत सोचिए कि 100 रुपये इन्वेस्ट करा तो 100 रुपये की इनकम लोगी बन पाई, नहीं, मल्टीपल्स में इनकम बनेगा। कैसे बनेगा मैंने बताया अभी आपको, क्लियर है। दिस मल्टीपल इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन द नेशनल इनकम। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम। तो ये बच्चे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है। लाइक आपने 50 का इन्वेस्टमेंट करा और आपका 250 करोड़ का आपका इनकम जनरेट हो गया, तो ये 50 टाइम्स नहीं है, ये 5 टाइम्स है, गलत है, ठीक है बच्चे। जो गलत है सो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं देता भाई। हाँ, ये क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या रोल है, इस बात को भी समझते हैं बच्चे, क्लासेस जरूर देखेंगे, एमपीसी क्या होता है इस बात को भी समझ लीजिए भैया। एमपीसी बेसिकली फुल फॉर्म होता है इसका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्लियर है बच्चे। एमपीसी बेसिकली इसको अगर डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, पार्ट ऑफ इनकम विच इज पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड।
इनकम का वो हिस्सा जो कि कंज्यूम हो चुका है। कैसे, क्या मतलब है इसका? इनकम बच्चे 100 रुपीज है, कंजम्पशन इसमें से मैंने कर लिया 80 रुपए का, बाकी जो बचा मैंने सेविंग कर ली। तो मैंने अपने इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम करा, आप भी जानते हैं 80% कर लिया अपने इनकम का, और डिवाइड करके पता करो ना आप कि इनकम का कितना हिस्सा मैंने कंज्यूम करा। तो कितना करा? 0.8, इट्स कॉल्ड MPC। इसको आप बोल सकते हैं 80% भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई वाइज शो कर दोगे तो। अपनी आय का 80% मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और इनकम का MPS क्या होता है बच्चे? एक टर्म होता है MPS, इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका साधारण भाषा में अगर बात करोगे तो क्या होता है? पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का एक हिस्सा जो कि विच इज सेव, जो कि बचाया जा चुका है। ये इसका ये कैसे निकालोगे आप? लाइक आपने यहाँ पे सेविंग कितनी करी? 20 रुपये की है, अपने 100 रुपये में से तो 20% बचाया ना आपने, इसको आप बोलोगे 0.2, और परसेंटेज में बोल सकते हो 20%, बोल सकते हो बच्चे, इनटू 100 कर देंगे तो चीज़ें परसेंटेज में आ जाती है। तो सेम चीज़ क्या करा आपने? एस, सेविंग कितना करा आपने इनकम का, इसी को हम क्या बोलते हैं? MPS। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? क्लियर है? अब एक बार बताओ आप, टोटल इनकम मैंने माना एक, मैंने एक कमाया था, उसमें 0.8 मैंने खर्चा खाने पे खर्च कर दिया, तो बाकी मैंने बचाया कितना? 0.2 बचाया ना, यही तो होगा बच्चे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 minus MPC equals to MPS। एग्री करते हैं बच्चे? 1 minus MPC equals to MPS। मानते हैं 1 में से अगर आप एमपीसी पार्ट ऑफ कंजम्पशन इन जो है, अगर आपने उसको माइनस कर दिया 1 में से, क्योंकि आप ऑलवेज देखना इस चीज को क्या एमपीसी, ये कुछ हिस्सा जो खा गया है, ये हिस्सा कुछ जो बचा लिया, मिला करके पूरी इनकम बनेगी, और पूरी इनकम फ्रैक्शन में कितनी होगी? 1 होगी। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है ऑलरेडी कोर्स के डिस्क्रिप्शन में, कोर्स को कवर करना बहुत जरूरी है। यहां तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में। अब आप देखेंगे कि अगर आपने 1 में से एमपीसी माइनस कर लिया तो बेसिकली एमपीएस आ गया। एमपीएस मीन्स क्या हो गया आपके पास में? सेविंग। जो चीज सेविंग होती है वही चीज इन्वेस्टमेंट होती है भाई, जो पैसा बचता है जाके अकाउंट में रखाते हो ना, फिर ब्याज नहीं मिलता क्या आपको उसके ऊपर? तो ये आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, जो पैसा बचता है कहीं ना कहीं आप लगा देते हो उसको, शेयर मार्केट में लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो सेविंग को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 upon 1 minus MPC। क्या कह रहे हैं? K equals to 1 upon 1 minus MPC। साफ साफ थोड़ा लिखते हैं, K equals to 1 upon 1 minus MPC। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे अगर आप बच्चे, तो आपके पास में इसको आप ये भी कह सकते हैं बच्चे, K equals to 1 upon MPS, क्योंकि 1 में से आप कोई भी एक चीज़ माइनस करोगे दूसरी आ जाएगी। एक में से अपने इनकम में से अगर आपने कंजम्पशन माइनस कर दिया, तो सेविंग इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया तो आपका कंजम्पशन का पता लग जाता है, दोनों कह सकते हो। अब आप देखो, जब भी आप माइनस करते हो तो जितना बड़ा फिगर माइनस करोगे किसी चीज में से, जितना किसी चीज में ये जितना बड़ा माइनस करोगे, इतना सा माइनस करा रिजल्ट बचेगा, जितना बड़ा माइनस करोगे। सर पेपर में पास होने के लिए क्या पढ़ें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी,
सिर्फ पास होना है तो अगर आपको कम टाइम में आप ये कर सकते हो। हाँ जी, तो आपके इनकम आपका जितना ज़्यादा आप माइनस करोगे उतना ही आपके पास में कम बचेगा। इस बात को समझ रहे हैं? ज़्यादा माइनस करोगे तो चीज़ें कम बचेंगी, छोटी से छोटी चीज़ें माइनस करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपके पास में बचेगा। तो ऐसे ही आप वन में से एमपीसी बड़ा होगा तो नीचे रिजल्ट बड़ा होगा एमपीसी, तो वन में से बड़ी चीज़ माइनस होगी तो बचेगा छोटा, नीचे जितना छोटा आएगा डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है रिजल्ट उतना ही बड़ा होता है। इस बात को समझे? नहीं समझ में आया अभी भी? अरे भाई 5/2 ज़्यादा बड़ा होता है या 5/3 ज़्यादा बड़ा होता है? 5/2 ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा परिणाम उतने ही बड़े होंगे। डिवाइड करके देख लो पॉइंट में पता लग जाएगा, ठीक है? और वन में से जितना ज़्यादा माइनस करोगे उतना परिणाम आपका नीचे छोटा आएगा, रिजल्ट उतना बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एमपीसी अगर बढ़ा तो डिनोमिनेटर जो है वो आपका घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बढ़ेगा। तो एमपीसी बढ़ा, एमपीसी इंक्रीज हुआ तो के भी आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो आप बोलेंगे यहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के। क्लियर है बच्चे? ये डिस्कस हो चुका, फिर भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एमपीसी इक्वल्स टू 0.25। आइए के फाइंड करते हैं। के इक्वल्स टू 1/1 - एमपीसी एंड के इक्वल्स टू 1/1 - 0.25 एंड के इक्वल्स टू 1/0.75 बचेगा इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप तो 25 4 25 3, क्लियर है? तो 1.33 आया के। अब मैं एक काम करता हूँ कि MPC 0.5 ले लेता हूँ, MPC बढ़ा दिया। एंड के इक्वल्स टू 1/1 - एमपीसी एंड के इक्वल्स टू 1/1 - 0.5, के इक्वल्स टू 1/0.5 एंड आपके पास में क्या आया? 2 आया। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया आपको? कोई डाउट? के इक्वल्स टू क्या है बच्चे? 2। तो आप देख रहे हो एमपीसी मैंने बढ़ाया, एमपीसी बढ़ाया तो के को देखो जरा, 1.33 से 2 हो गया तो के भी बढ़ा। तो इसलिए तो कह रहा हूँ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के और एमपीएस में ध्यान रखना, इसके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। के इक्वल्स टू 1/MPS होता है ना बच्चे? तो ध्यान रखना MPS अगर आपका बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परिणाम छोटा आएगा तो के कम होगा। क्लियर है बच्चे? ये तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए MPC का, ऐसे ही ये बात समझ में आई आपको? तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है? ये वही बात कह रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। दस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब क्या कर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शेयर्स आर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ एमपीसी इज गिवन वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मलिंग मेथड। इससे क्लियर है बच्चे? क्या कह रहे हैं उसी बात को समझिए। एक एमपीसी 0.5 लेके के की वैल्यू निकाल के दिखा दी, और एक एमपीसी 0.7 बढ़ा दिया और के की वैल्यू निकाल के दिखा दी। तो बता रहे हैं एमपीसी बढ़ा तो के की वैल्यू भी बढ़ गई। ये बात समझ में आया आपको? क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको जरा समझिए आप। देखो
यहाँ पर देखेंगे आपके पास से बच्चे डिफाइन द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को और डिटेल में डिफाइन की नीड है, जिसका मैं वीडियो टैग करूँगा इसके साथ में। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्लासेस में ऊपर ही नाम इस पर लिख के डाल दूंगा फोल्डर पे सीधा वीडियो दिस। और भाई तो मैंने बता दिया, एंड डिराइव द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसको समझिए जरा गवर्नमेंट थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या करता है। देखिए बच्चे, तीन सेक्टर में कौन कौन से लोग होते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर? एक तो आपके पास में कंजम्पशन होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, फर्म होता है, और एक गवर्नमेंट होता है। क्लियर है बच्चे? तीन सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट की भी। दो सेक्टर इकोनॉमी में क्या कौन कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म होता है। हाउस होल्ड का काम है कंजम्पशन करना, फर्म का काम है इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर है बच्चे? और अगर मैं बात करता हूँ कि थ्री सेक्टर में, तो पहला सेक्टर तो हमारा हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर हमारा फर्म। जब तीन सेक्टर की बात करो तो उसमें गवर्नमेंट की भी भूमिका आ गई। जब गवर्नमेंट की भूमिका आ गई तो भैया गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो टैक्स के भी रोल आ गया, इसलिए इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में हमारी इनकम कैसे बनेगी, उसमें हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें हमारा जी आएगा, जो कि जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि फिक्स होता है। गवर्नमेंट ने 500 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपये का एक्सपेंस कर दिया। तो ये थ्री इकोनॉमी मॉडल में हमारा नेशनल इनकम निकालने का रोल ये रहता है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। अब एक बात समझिए यहाँ पर, अब आपके पास में सी क्या होता है? वाई इक्वल्स टू सी, और ये आपके पास में इनकम में कौन सा इनकम आ गया आपके पास में? ये आपके पास में ये सी है, ये क्या आपके पास में सी है, और फिर आई प्लस जी, समझिएगा y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, i क्या है? इन्वेस्टमेंट, और जी क्या है बच्चे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? जो कि क्या है, एक फिक्स एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। तो एक तो हाउस होल्ड जो खर्चा करती है वो किसी की इनकम बनती है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इनकम जनरेट होती है, प्लस में जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उससे इनकम जनरेट होती है। तो हमारी जो नेशनल इनकम है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, हमें इन तीनों सेक्टर की इनकम को लेकर के चलना होगा, तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात है कि सर कंजम्पशन क्या होता है, तो कंजम्पशन के बारे में क्या आपने सुना नहीं है क्या? एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, प्लस एक आपका बी मीन्स MPC होता है। और MPC किसका आपका, किसका आप कंजम्पशन करते हो? हाँ, आप कंजम्पशन किस चीज़ से करते हो? अपने इनकम का? गलत, डिस्पोजेबल इनकम का कंजम्पशन करते हो आप लोग। अरे भाई, जो पैसा आपने कमाया सारा थोड़ी खर्च कर सकते हो आप, उसमें से थोड़ी खर्च करते हो, उसमें टैक्स देकर के जो बचता है वो खर्च करते हो, तो टैक्स देने का जो बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नहीं समझ में बात आई? कोई बात नहीं, सी इक्वल्स टू सी बार MPC मीन्स आपका जो इनकम है, टैक्स देने का जो बचा उसका कितना हिस्सा आप खाने पे चला जाएगा, कंजम्पशन में चला जाएगा, खाने नहीं मतलब कंजम्पशन में चला जाएगा। तो ये डिस्पोजेबल इनकम कैसे आएगा भैया? इनकम में से आप माइनस करोगे क्या, टैक्स लगाओगे किसके ऊपर? इनकम पे। ये बात समझ में आई बच्चे आपके? तो ये क्या आ जाएगा आपका, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो जैसे तो ये क्या बता रहा है, ये बताने की कोशिश तो कर रहा है कि जो हमारा सी होता है बेसिकली क्या होता है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस आपके पास में ये सी बेसिकली सी क्या है, MPC है और डिस्पोजेबल इनकम। ये वही बात तो कर रहा है, इसने सी को क्या करा, सी को इससे रिप्लेस कर दिया, इसलिए आपका यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, बाकी आई और जी आपका सेम है। और दूसरी बात, आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम कैसे लिखा इसने फिर, MPC वाई माइनस टैक्स, और TR क्या है ये आपका, टैक्स ऑफ इनकम, TR। हमारी जो इनकम है ना बच्चे, उसमें सिर्फ कमाया हुआ पैसा नहीं होता है,
उसमें कुछ मांगा हुआ पैसा भी हो सकता है, हमारी हमारे जो हमारे घर में जो पैसे आते हैं, लाइक गवर्नमेंट ने हेल्प के तौर पे ओल्ड एज पेंशन दे दिया, या कुछ अलाउंसेस, कुछ ट्रांसफर पेमेंट कर दी आपको, ट्रांसफर इनकम होगी आपकी, आपने कमाया नहीं है तो आपका खर्चा उसकी वजह से भी हो सकता, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए प्लस ये हो गया आपके पास में। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई? एंड प्लस क्या हुआ आपके पास में, प्लस में आपके पास में हुआ आई, और प्लस में आपके पास में हुआ जी। ये जो जो बात कह रहा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। क्लियर है? तो ये आपके पास में आ गया वाई, वाई माइनस में टी वाई टैक्स ऑफ वाई एंड दिस एंड आई प्लस जी। अब आगे क्या कहता है ये, कि आपके पास पे वो जो एमपीसी है वो सबको बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है, वो वही फॉर्मूले में क्या कर रहा है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस सी बार प्लस एमपीसी वाई माइनस एमपीसी टी वाई प्लस एमपीसी टी आर प्लस आई प्लस जी। एक काम करते हैं बच्चे, ये सी आ गया था ना हमारा, सॉरी सी ये आ गया था, तो अब मैंने क्या करा, सी की जगह पे ये रख दिया और आई प्लस जी रखा, तो मेरा इनकम है नहीं, ठीक है। अब वाई वाई एक तरफ रखता हूँ, वाई माइनस एम पी सी वाई माइनस ये प्लस एम पी सी टी वाई, ठीक है, और इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी टी आर प्लस आई प्लस जी। वाई कॉमन ले लेते हैं भैया, क्या बनता है, वन माइनस एम पी सी प्लस एम पी सी टी, क्लियर है, इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी टी आर प्लस आई प्लस जी, यही तो बन रहा है आपका। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आया आपको? जैसे देखो यहाँ पर क्या बना आपका, यहाँ पर वो सी एम पी सी है बेसिकली, तो ये बना आपके पास में, इसमें से आपने कॉमन ले लिया सी टी टैक्स, और यहाँ से आपने इसको को क्या करा, इसमें से वाई माइनस कर दिया, इसको आपने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखें बेसिकली क्या आपके पास में हेयर द जी बा जी बाय विल लीड टू इंक्रीज इन द इनकम बाय, अगर सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो नोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपका नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो सरकार कभी भी जब भी अपना एक्सपेंस बढ़ाती है, खर्चे ज़्यादा करती है, तो हमारी राष्ट्रीय बढ़ती है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आ गई बच्चे? तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज इनकम टैक्स एक्ट एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये यूनिट 5 में आपका मनी में मिल जाएगा, मेरा फोल्डर है यूनिट 5 मनी, मेरे फोल्डर में जाओ कंटेंट में वहाँ मिलेगा, आप क्लास नंबर 8 देख लो, आपको मिल जाएगा, टॉपिक का नाम डाला हुआ है उस पर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। क्लियर है बच्चे, न्यूमेरिकल कल करेंगे हम, बाकी जैसे कि आपके पास में राइट शॉर्ट नोट एनी टू, तो शॉर्ट नोट इस पर करोगे तो एक आपके पास में, एक है आपके पास में ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, ये आपके पास में लेक्चर नंबर 8 पे मिलेगा आपके पास में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, और ये किस यूनिट में, यूनिट 5 मनी में मिलेगा 8 में, और ये भी आपको मनी में मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4 पे मिल जाएगा, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है बच्चे, समझ में आया बच्चे? तो आपको ये जो 7 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पेपर खत्म होता है, कल एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूंगा, देन पेपर वाइंड अप, फिर नेक्स्ट पेपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो बच्चे जिनके कुछ डाउट्स है, कोई क्वारी है, आप मुझे प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे आप जो मुझे एक ऑडियो मैसेज के थ्रू अपने डाउट्स क्वारी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ, कोशिश होगा कि आप अपने रिप्लाई का वेट करें रात को 9 बजे से 10 के बीच में, क्योंकि उस समय मैं फ्री होता हूँ, तो उस समय मैं व्हाट्सएप देख करके और उस समय मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
तो ये सारे की सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पेपर से क्वेश्चन हिट जरूर करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके 90% आ जाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पर मैं इस बात को जरूर कहता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे अगर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा, फेल नहीं होंगे, पेपर आपका आसान आएगा इस बार। ठीक है बच्चे? मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।